गाइस तो ये आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू 2024 होंडा एसपी 160 जो कि आप हमारे सामने रेड कलर में देख पाएंगे। आपको एसपी 125 का आप इसे बड़ा भाई भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें इंजन में आपको ज्यादा कैपेसिटी का देखने को मिल जाता है। साथ साथ एक गाड़ी को जो बनाया गया है जो कि आपको पांच गाड़ी के मिला के बनाया गया है। सबसे पहला गाड़ी जो कि आप एसपी 125 को देख सकते हैं, साथ साथ इसमें आपको यूनिकॉर्न का आपको कुछ टच देखने को मिलेगा। सीबी 300F के साथ भी इस गाड़ी को बनाया गया है। एक्स ब्लेड और साथ साथ आपको होंडा हॉर्नेट 2.0 के साथ इस गाड़ी को बनाया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस गाड़ी का फुल डिटेल वॉकराउंड रिव्यू करने वाले हैं। इस गाड़ी का अभी का आपको ऑन रोड प्राइस क्या है, इससे आप माइलेज कितना का निकाल सकते हैं, इस गाड़ी का आपको टॉप स्पीड क्या है और साथ साथ इसमें आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके फ्रंट के साथ शुरुआत किया जाए तो यहाँ पे आप इसका फ्रंट डिजाइन देख पाएंगे जो कि आपको सिमिलर एसपी 125 के जैसा ही मिलता है। हल्के जो साइज है वो आपको बड़े देखने को मिलेंगे। आप इसका वाइजर देखेंगे जो कि आपको टोटली ब्लैक कलर में मिलता है। यहाँ पे आपको होंडा का स्टिकर मिल जाता है। दोनों साइड आप देखें तो आपको रेड कलर के टच देखने को मिलेंगे और लाइट का सेटअप देखेंगे जो कि आपको फुल्ली एलईडी में ही दिया गया है। लो बीम और आपको हाई बीम दोनों ही मिल जाता है, बट कहीं भी आपको डीआरएल लाइट नहीं देखने को मिलेंगे। साइड में देखे इसमें आपको हजार लाइट के भी ऑप्शन मिलते हैं जिससे आपको दोनों इंडिकेटर एक साथ आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आ जाएगा, बट जो इंडिकेटर मिलता है जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही दिए गए। नीचे की ओर आएंगे तो इस जगह पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए, आपको अच्छा खासा मोटा दिया गया जिससे आपको जो छोटे मोटे गड्ढे हैं वो आपको इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप इसका मडगार्ड देखेंगे जो कि आपको टोटली फाइबर में दिए गए, आपको ग्लॉसी रेड कलर में देखने को मिल जाता है और पीछे में देखें तो आपको रफ ब्लैक कलर का यूज किया गया है। दोनों साइड आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको सिंगल चैनल एबीएस का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आप इसका डिस्क देखेंगे जो कि आपको पेटल डिजाइन में दिया गया है। बीच बीच में आपको होल भी दिए गए जिससे आपको हीट डिसिपेशन अच्छा देखने को मिल सके और यहाँ पे देखे आपको एबीएस का प्लेट मिल जाता है। निसिन के आपको यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स दिए गए और फ्रंट टायर की ओर देखा जाए जो कि आप यहाँ से देखेंगे 80/100 सेक्शन के इसमें आपको टायर यूज किए गए हैं, जहाँ की आपको 17 इंचेस के आपको एलॉय व्हील भी देखने को मिलेंगे। टायर आपको हल्के से पतले देखने को मिलते हैं बट आपको ग्रिप अच्छा खासा देखने को मिलेगा। टीवीएस कंपनी की तरफ से इसमें आपको टायर दिया गया है और दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस देखने को मिल जाएगा। जब गाड़ी के आप साइड प्रोफाइल की ओर आएंगे तो यहाँ से इस गाड़ी का आप साइड प्रोफाइल को भी चेकआउट कर सकते हैं। सिमिलर आपको एसपी 125 के जैसा ही देखने को मिलता है, बट आपको जो मस्कुलरनेस है इसमें आपको ज्यादा एड ऑन किया गया है। 12 लीटर का इसमें आपको टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा और टैंक काउल की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको होंडा को मेंशन किया गया है। आपको 3D क्रोम के साथ देखने को मिलेगा, साथ साथ आपको इसका लोगो भी देखने को मिल जाता है। ये पार्ट देखेंगे जो कि आपको ग्लॉसी रेड कलर में मिलेगा। बीच में आप यहाँ पे ग्रे कलर और आपको ब्लैक कलर के टच देखने को मिलेंगे और ए आप पार्ट देखेंगे जो कि आपको टोटली रफ ब्लैक कलर के साथ दिया गया है। साथ साथ आपको यहाँ पे बीच में आपको एयर वेंट्स के लिए आपको जगह भी दिए गए हैं। ये आप देखेंगे जो कि आपको टोटली फाइबर में देखने को मिलता है। बीच वाला पार्ट देखेंगे जो कि आपको टोटली ग्रे कलर में मिल जाते हैं। साथ साथ ये गाड़ी आपको 20 को सपोर्ट करने वाली है, उसके लिए आपको यहाँ पे स्टिकर देखने को मिलता है। सीट की ओर देखेंगे तो आपको सिंगल पीस सीट दिया गया है जिसे राइडर और पिलियन को बैठने में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो, 2-3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं और इसके अंदर जो कुशन दिया गया ये भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। सीट काउल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 160 का आपको स्टिकर मिलेगा ग्रे कलर में, साथ साथ आपको यहाँ पे भी आपको लाइनिंग देखने को मिलेगा ग्रे और ब्लैक कलर के साथ। साइड पैनल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम के साथ देखे जो कि आपको 3D लोगो में आपको एसपी को मेंशन किया गया है। यहाँ पे भी आपको ग्रे कलर के टच मिलेंगे, ये आपको टोटली रफ ब्लैक कलर में मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको किक स्टार्ट के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इंजन के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे इंजन काउल भी देखने को मिल जाएगा। इंजन के बारे में बात किया जाए तो आपको सेम इंजन जो यूनिकॉर्न में मिलता है वही आपको इंजन इसमें दिया गया है। 162.7 सीसी का देखने को मिलेगा जो कि आपको एयर कूलिंग को ही सपोर्ट करने वाली है। इस गाड़ी से आप माइलेज अप्रोक्स देखा जाए तो 40 से 45 का आप आराम से निकाल पाएंगे जब इसे आप इकोनॉमी जोन पे राइड करेंगे तो। और इस गाड़ी का जो टॉप स्पीड है जो कि आपको लगभग 120 किलोमीटर पर आवर के इसमें आपको टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाएगा। और ए गाड़ी का जो इंजन है जो कि आपको 13.2 पीएस का पावर एंड 14.5 न्यूटन मीटर का ए गाड़ी आपको टॉर्क भी देने वाली है। तो आपको सबको पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखे तो ये आपका पिलियन का फुटेज और इस जगह पे आपको राइडर का फुटेज दिया गया है। एग्जॉस्ट देखेंगे जो कि आपको सिंगल बैरल एग्जॉस्ट दिया गया है। ऊपर में आपको यहाँ पे क्रोम के आपको टच भी देखने को मिल जाते हैं। रियर में आपको यहाँ पे मोनोक्रॉस टाइप का आपको यहाँ पे सस्पेंशन दिया गया है जो कि आपको रेड कलर में मिलेंगे। और जो रियर टायर है ये भी आपको टीवीएस कंपनी की तरफ से मिलता है और यहाँ से इसका टायर का साइज देखेंगे जो कि आपको 130 सेक्शन का दिया गया है। आपको अच्छे खासे आपको मोटे टायर देखने को मिलेंगे और यहाँ पे इसका ग्रिपिंग भी देखेंगे जिससे आपको ग्रिप भी अच्छा मिल सके।
ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल पीस आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिया गया है। इसे रियर सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी में टेल लाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हजार लाइट मैंने बता दिया, इस जगह पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं और साथ साथ आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब्स भी दिए गए। गाड़ी के आप टोटली लेफ्ट साइड आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी कार का ऑप्शन आपको पहले से मिल जाता है। साथ साथ आपको लेडीज फुटेज भी आपको पहले से दिए गए हैं, आपको बाहर से कुछ भी लगाने का आवश्यकता नहीं है। चेन जो दिया गया जो कि आपको टोटली खुला दिया गया है जिससे आपको लुब्रिकेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टायर में क्या हवा होना चाहिए वो भी आपको वहां पे मेंशन किया गया है। इधर देखें तो इस गाड़ी में आपको टोटल 5 गियर का आपको ट्रांसमिशन मिल जाएगा, साइड स्टैंड मिल जाते हैं और साथ साथ इसमें आपको मिडिल स्टैंड के भी ऑप्शन दिए गए हैं। जब गाड़ी का मीटर कंसोल की ओर आएंगे तो यहाँ से आप इसका मीटर कंसोल देखेंगे जो कि आपको सेम CB300F वाला आपको यहाँ पे यूज किया गया है, फुल्ली आपको डिजिटल में देखने को मिलेगा। इसे एक बार मैं ऑफ करके फिर से ऑन करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बीच में आपको यहाँ पे गियर पुश इंडिकेटर मिल जाता है, ये आप देखें जो कि आपको टैकोमीटर, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, इधर आपको डिजिटल में क्लॉक मिल जाएगा, साइड स्टैंड लगे हुए उसके आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पे देखें जो कि आपको एवरेज माइलेज क्या एक गाड़ी दे रही है वो आपको बताने वाली है। ट्रिप ए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, इधर आपको यहाँ पे फ्यूल गेज दिया गया है और ऊपर में आपको काफी कुछ इंडिकेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको सर्विस रिमाइंडर के भी ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको दो बटन दिया गया, इस वाले बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे जो कि आपको ट्रिप भी फिर से दबाएंगे तो आपको टोटल ओडोमीटर आप कितना चले वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला है और ये आपका ट्रिप वन। और नीचे वाले बटन को जब दबाएंगे तो ये आप देख सकते हैं जो कि आपको क्या माइलेज दे रही है गाड़ी वो आपको यहाँ पे बताने वाली है। एवरेज स्पीड क्या है इस गाड़ी का वो आपको शो कर जाएगा और यहाँ पे आपको देखें जो कि आपको बैटरी कितना चार्ज है वो भी आपको यहाँ पे दिखाने वाली है और फिर से आपका एवरेज स्पीड आ जाता है। तो इतना कुछ आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलेंगे। की ओर देखा जाए जो कि आपको यहाँ पे दो की देखने को मिलता है, सेम आपको हॉर्नेट के जैसा ही आपको यहाँ पे की देखने को मिलेगा। हैंडल बार देखेंगे जो कि आपको सिंगल पाइप का आपको हैंडल बार दिया गया, ये भी आपको सेम हॉर्नेट से आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। स्विचेस की ओर देखा जाए आपको लो बीम आपको हाई बीम का स्विच, इस जगह पे आपको पासिंग का बटन मिल जाएगा, लेफ्ट एंड राइट हैंड का स्विच और ये आपका हॉर्न का स्विच, सिंगल हॉर्न ही मिलेंगे। क्लच देखें जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हल्का रखा गया है जिससे आपको उंगली में दर्द ना हो। इस तरफ देखें तो आपको यहाँ पे इंजन ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया, इस जगह से इसका जो हजार लाइट है उसे आप ऑन ऑफ कर पाएंगे और यहाँ से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाएंगे। इसे मैं सेल्फ स्टार्ट करता हूँ और आपको मैं साउंड को चेकआउट कराता हूँ। अभी गए जस्ट आपने इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड को सुना, आपको आपको इंजन में अच्छा खासा रिफाइनमेंट देखने को मिल जाएगा और होंडा हमेशा से रिफाइंड इंजन के लिए ही जाना गया है। और इस गाड़ी का जो वजन है जो कि आपको मात्र 139 केजी का रखा गया, आपको ज्यादा कहीं से भारी फील नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें आपको ज्यादातर फाइबर का यूज देखने को मिल जाएगा। और इसका जो सीट हाइट है जो कि आपको 796 mm का रखा गया है। अगर आपका हाइट 5.6 इंचेज है तभी आप इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला पाएंगे, तभी आपका दोनों साइड जो पैर है वो आपको इजिली अटने वाला है। और इसमें आपको और भी 3-4 कलर और भी देखने को मिलेंगे, उस कलर का भी आप फुल डिटेल रिव्यू नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी का अभी का ऑन रोड प्राइस क्या रखा गया है। इसका जो अभी का ऑन रोड प्राइस है जो कि आपको 1,46,000 रुपीज देखने को मिल जाता है। हमारे नियर सिटी शोरूम रांची में आपको होराइजन होंडा पे आपको ये प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस भी देखा जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर इस गाड़ी को आपको लेना है तो आपको आप ले सकते हैं। तो मैंने कहा इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल्ड रिव्यू में वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन होता तो आपको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी मैं छोटे छोटे रील शेयर करता रहता हूँ जो कि आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।